हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्षा मॉनिटर। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि टॉर्टाइज और टर्टल में क्या अंतर होता है। लेकिन उससे पहले, जिस लोगों ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें फॉर मोर अमेजिंग फैक्ट्स के लिए। तो इस वीडियो में आज आपको मिलेगा जानने के लिए कि टॉर्टाइज और टर्टल में क्या अंतर होता है, और साथ ही ये भी पता चलेगा कि अगर टॉर्टाइज को हम घर में रखते हैं तो उससे क्या होता है, क्या वे शुभ होते हैं घर में रखना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। कछुआ। कछुआ जो जमीन पर रहता है उसे टॉर्टाइज कहते हैं। जब इन्हें प्यास लगती है ये तभी पानी की तरफ जाते हैं। टर्टल। टर्टल किसे कहते हैं? टर्टल कहते हैं जो कछुआ पानी में रहता है। जी हाँ, जो पानी में रहता है उसे टर्टल कहते हैं। जब इन्हें अंडे देने होते हैं ये तभी ज़मीन पर आते हैं। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि घर में कछुआ रखने का क्या लाभ होता है। घर में अगर आपके कछुआ है तो कछुआ सुख समृद्धि और प्रगति का एक प्रतीक है। इस कारण लोग पूजा पाठ करने के स्थान पर कछुए की मूर्ति रखते हैं। ऐसा करने से घर में नौकरी, व्यवसाय और अन्य कार्यों में प्रगति मिलती है। धार्मिक रूप से देखा जाए तो कछुआ अत्यंत शुभ माना गया है। इसे घर में रखने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। सो गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कछुए के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कितने नाखून वाला कछुए की कीमत क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, और साथ ही जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अमेजिंग फैक्ट्स। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।